हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज फिर हम सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर एक घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये नुस्खा जिनको नाइट फॉल की समस्या हो या जिनको धात की समस्या हो, जो पेशाब के साथ सफेद पानी गिरता है, या जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी जिंक या विटामिन डी की वजह से नहीं बल्कि उनकी फैटी बॉडी की वजह से हो, अगर आपका शरीर मोटा होगा, अगर आपके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा फैट होगी, तो आपके अंदर अरोमाटेज नाम के एंजाइम की बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा और आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को करना क्या है, आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। अब बहुत लोग इतनी स्टेटमेंट दे देते हैं कि पानी ज्यादा पिए। अब ज़्यादा कितना ज़्यादा, ये एक फार्मूला हर तरह के शरीर पर, हर तरह के इंसान पर लागू नहीं होता। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा, आपके शरीर के अंदर जो गर्मी है जिस वजह से आपको धात या नाइट फॉल की समस्या हो रही है, आपके शरीर के ऊपर जो फैट बढ़ रही है वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा पानी पीने का मतलब क्या है, क्योंकि हर शरीर के लिए, हर इंसान के लिए ज़्यादा पानी की परिभाषा अलग अलग है। जो एक जनरल सा रूल है, जितना आपका वेट हो आप उसको 30 से डिवाइड कर लें और जितना वो आंसर आए आप उतना लीटर पानी पिए। अगर आपका 90 केजी वेट है और आप उसको 30 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 3 आएगा। तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी रोजाना जरूर पीना चाहिए। ये कम से कम का फॉर्मूला है। अगर आप इससे ज्यादा पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, लेकिन इस नुस्खे के रिजल्ट्स आते आते कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे, उसके बाद आपको इस नुस्खे के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप साथ में कोई ऐसी जड़ी बूटी का सेवन कर रहे हैं जो आपके अंदर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी करवा रही हो, तो उस जड़ी बूटी के रिजल्ट्स भी आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। आपके शरीर से फैट बहुत तेजी से झड़ेगी, आपको भूख भी कम लगेगी। आप कोशिश करें कि खाना खाने से आधा घंटे पहले कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पिए, तो फिर आपको भूख कम लगेगी, आप कम खाएंगे और आपका वजन बहुत बढ़िया तरीके से कम होगा। लेकिन जो आप सब पौष्टिक तत्व लेते हैं उनका सेवन जरूर करें। अगर आप पौष्टिक तत्व खाने से नहीं ले पा रहे हैं तो फिर ऐसी जड़ी बूटियां खाएं जिनसे आपको सारे पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया नुस्खा है, फ्री का नुस्खा है और रामबाण नुस्खा है। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।